Hello students, welcome to Civil Mantra. The question is, a 4 meter thick clay layer of normally consolidated clay has an average void ratio 1.3, its compression index is 0.6, coefficient of consolidation is 1 meter square per year. If the increase in vertical pressure due to foundation load on the clay layer is equal to the existing effective overburden pressure, the change in the thickness of the clay layer is. सो चेंज इन द थिकनेस मतलब डेल एज आपको पूछा है. तो अगर डेल एज पूछा है तो आपको क्या फॉर्मूला पता है, एच सी सी बाई वन प्लस ई इंटू लॉग सिग्मा वन बाई सिग्मा नॉट. यहाँ पे क्या बोला है कि जो पहला प्रेशर था अगर वो सिग्मा नॉट है तो जो एडिशनल प्रेशर हुआ वो भी सिग्मा नॉट है, राइट. तो हमारा सिग्मा वन कितना हो जाएगा, सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट, दैट इज टू सिग्मा नॉट. सो यहाँ पे कितना लिखना है, 4 मीटर थिक, दैट इज योर एच. सो 4 इंटू 0.6, कॉम्प्रेशन इंडेक्स इज गिवन, दिस इज योर सी सी. तो 0.6 बाय 1 प्लस ई नॉट, दैट इज एवरेज वॉइड रेशियो इज गिवन ई 1.3 लॉग 2 सिग्मा नॉट बाय सिग्मा नॉट. यस, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 314 मिलीमीटर. सो दिस आंसर इज 314 मिलीमीटर. यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है, ये जो कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन दिया हुआ है ये किसी काम का नहीं है, और एक चीज ये है कि प्रेशर जो दिया हुआ है ये आपको जस्ट ऐसे हो जाएगा, सिग्मा नॉट कट आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, टू आपका लॉग टू का वैल्यू निकालना है. मतलब इफ द वर्टिकल प्रेशर ड्यू टू द फाउंडेशन लोड ऑन द क्ले लेयर इज इक्वल टू द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर, तो ये आपको खाली दिमाग में रखना है. इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है कि आपको दिया नहीं है तो आप कैसे निकालोगे. तो कुछ भी नहीं है कि सिग्मा नॉट आपको कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू कैन कैलकुलेट द डेलेज वैल्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.